बंदा सोचे मैं किया परवार सरदार बंदा सोचे स्वरूप दिखा के तो हम सब को शिक्षा देना चाहते हैं। बंदा सोचे मैं किया करनहार करता मैं हूं सब कुछ करने वाला। एक मेरी ही परम इच्छा सर्वव्याप्त है। जो साधक जन उसकी परम इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है ऐसे शरणागत के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ करने को तैयार है। अर्जुन बहुत समझदार है। उसने अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान श्री को सौंपी है। जीवन के रथ के सारथी भगवान श्री। हमें सोचना चाहिए हमारे जीवन रथ के सारथी कौन है। क्या परमात्मा है या हमारा मन है और मन के अंदर के विकार। क्या हम परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार।
जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलेगा वह तो बहुत सुरक्षित है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उदासी नहीं। जो अपनी इच्छा अनुसार चलेगा चलता ही है, उसके जीवन में भय भी है, चिंता भी है, उदासी भी है, निराशा भी है, हताशी भी है, सब कुछ है। मैं देवी सच में बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप सब इस बात को जानते हो, सत्य को जानते हो, सुनी सुनाई बातें ही हैं जो आपकी सेवा में अर्ज करता रहता हूं। परमेश्वर की महती कृपा है, जैसी भी टूटी फूटी होती हैं आप वैसे ही उन्हें स्वीकार कर लेते हो। मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूं। आज सुरक्षित हूं जो परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, जैसा कि अर्जुन भगवान श्री आउट ऑफ दी वे तो बड़ा छोटा शब्द है, उसके लिए क्या क्या करते हैं सत्य मानिए का हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रेमपूर्वक बातें करने का अधिकार शरणागत को, शरणागत की कल्पना भक्ति से कम नहीं है। भविष्य में भी शरणागत हुए नहीं, परशुराम के चरणों में पहुंचे नहीं, आकाश में लटके हुए हैं, लेकिन उन्हें तो यही लग रहा है कि वह भगवान के चरण शरण में पहुंच गए हैं। कैसे? भक्त की कल्पना किस प्रकार की हुआ करती है, मैं प्रभु राम के पास जाऊंगा, जाके उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, कस के चरण पकड़ूंगा, वो मुझे कंधे से पकड़ के उठाएंगे, मेरी पीठ पर हाथ फेरेंगे, मेरे से प्यार करेंगे, मेरे से दुलार करेंगे। देखने सुनने में तो देवी सज्जनों ये कल्पना ही लगती है, लेकिन भविष्य में तो परमात्मा के पास पहुंच चुका हुआ है। ऐसी कल्पना कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष है, ये शरणागत की महिमा है। शरणागत भगवान के साथ किस प्रकार की प्रेम पूर्वक बातें करता है, मानव शरणागति उसे ऐसी वार्तालाप या प्रार्थना करने का अधिकार दे देता है, स्वयं भी आनंद लेता है शरणागत के साथ। अतएव हम सबको सदचरण इस उपलब्धि की चेष्टा करनी चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति, इस स्थिति को लाभ करने की चेष्टा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। साधना से इतना नहीं होता जितना असाधना से होता है, शरणागति में साधना नहीं है। शरणागति में प्रार्थना है, विनय है, दैन्य है, दीनता है, शरणागति में साधना नहीं है। असाधन बनने की जरूरत, असाधक नौ साधना, दीन बनने की जरूरत, निर्धन बनने की जरूरत, हारने की जरूरत, थकने की जरूरत शरणागति। सरोवर सूख जाता है, पंछी उस सरोवर से उड़कर कर दूसरी सरोवर में चला जाता है, बेचारी मछली क्या करे, उसे न उठना आता है, न सरोवर बदलना आता है। ऐसी स्थिति को संरक्षण शरणागति कहा जाता है, जब परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई सहारा दिखाई न दे, परमेश्वर को व्यक्ति अपना सर्व सहारा मान ले और उनके चरण शरण में चला जाए, ऐसी स्थिति को शरणागति कहा जाता है, समर्पण कहा जाता है, अपना आप सौंप दिया परमात्मा,
अब किसी चरण में तू जान तेरा काम जान, बंदा निश्चित हो जाता है, साधक निश्चित हो जाता है, उसे किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का भय इत्यादि नहीं रहा करता। He is in the most safe hands. ऐसा विश्वास से होता है। तुलसी की याद आती है भक्तजनों, आज पहले तुलसी की बात शुरू करते हैं।